अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका यान बर्ड नुशामदीद। ये देखिए ये बर्ड्स, मैं कल ही बाबा से पूछा था, इसने पर्ड कम निकाले हैं छोटे वाले ने, और ये देखें इसके पर आना स्टार्ट हो गया, और ये बड़े वाला है और ये छोटा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह अब बर्ड संभाले नहीं जाते हैं, खुराक को इस तरह मांगते हैं। एक बर्ड हो गया है, दूसरा भी हो गया है माशाल्लाह। और आज हमारा लड्डू आया हुआ था जो हमने पिजन पाला था, तो वो हमने अभी थोड़े दिन के लिए किसी को दिया है, क्योंकि उससे पिजन से डिजीज फैलते हैं, बीमारियां, और बर्ड्स सेंसिटिव होते हैं, इसलिए अभी हमने उसको दे दिया। चल पड़े माशाल्लाह जी। ये देखे एक्टिविटी बर्ड्स की, ये फुल फीडेड है और एक दूसरे से फीड के लिए झगड़ रहे हैं। ये देखें आप बर्ड, ये कितना खूबसूरत होगा फ्यूचर में, सिर्फ फ्यू डेज की बात है। ये भी माशाल्लाह कंघी निकल आई थी, अब इसने अपने ग्रीन विंग्स भी निकाल लिए हैं, टेल थोड़ी सी निकल आई है। कल आपको वाजिया फ़र्क निकलेगा, हमने 3 दिन कहा था लेकिन मैं लागे पता था एक दिन में ही निकल आए, पर इसके पिछले भी लॉग में बात हो रही थी। आज हमारे खान साहब आए हुए थे, आतिफ खान साहब, काफ़ी नाम है उनका कबूतरबाजी में, 30-40 साल से शौक कर रहे हैं कबूतरों का, और होम ब्रीड है उनकी अपनी, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत परिंदे हैं उनके। उन्होंने हमसे एक राह की लाट आई हुई थी 15 पीसीस की, तो वो व्लॉग अपलोड कर देंगे, व्लॉग बनवा के गए हैं वो अपना, उसके अंदर जो है ना माशाल्लाह वो सारे बच्चे वो परचेज करके चले गए हैं। अभी बच्चे उनके पास साथ ही लेके गए हैं वो अपने, और शायद वो सेल करें, कुछ उन्होंने खुद रखने अपने शौक के लिए। ये बर्ड फीड हो गए हैं माशाल्लाह, अब इनको इनके खानों में छोड़ दिया ही जाना चाहिए। जा रहे हैं अपने बॉक्सों में, और जो डायनासोर हैं वो वेटिंग के अंदर हैं कि हमें भी निकाला जाए और हम लोग भी खाना खाएं। ये बच्चे खाना खा चुके हैं माशाल्लाह, ये देखिए ये अकेला रह गया, अब ये भी चला गया, और इधर से जो बच्चे, ये देखिए जी वीडियो बन गया माशाल्लाह, डाइया थोड़ जा गए हैं भाई, ये देखें क्या एक्टिविटी है। माशाल्लाह जी एक हाथ से, ये देखें ये दाल जो है ये 2 बर्ड्स एक बार में खा लेते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं खिलानी चाहिए एक साथ के गले में फंसा लें। ये देखें जी ये माशाल्लाह, उधर से इधर आने तक जो है ये रह जाता है। और आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इनकी सफाई का इतना निज़ाम रखा था कि देखिए एक भी आपको इनकी वेस्ट नज़र नहीं आएगी, ये सारा ताज़ा बुरा आता है इनके लिए, ताकि बच्चे हेल्थी रहें, एक्टिव रहें। एक्टिविटी से आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा उनकी बच्चों की हेल्थ की क्या कंडीशन है, और माशाल्लाह देसी खुराक पे हैं, ये दाल खा रहे हैं, फीड भी देते हैं, ये नहीं कि हम खाली दाल ही दे देते हैं, पैसे ही बचा देते हैं, भाई फीड भी देते हैं इनको, इनके रिलेटिव जितनी इनको ज़रूरत है ना, बहुत ज़्यादा फीड भी जो है ना, बाद में बर्ड फ्रेंच मोल्ड हो जाएगा, बर्ड स्ट्रेस में हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा बर्ड, तो बड़ा इशू आता है, इसलिए हम लोग फिर देसी खुराक भी साथ ही खिलाते हैं लाजमी। तो चैनल बनाने का मकसद भी पैसे कमाने नहीं है,
हमारा मकसद सिर्फ ये अवेयरनेस देना है कि लोगों से जो बच्चे मर जाते हैं वो बच्चे मरे ना यार, ये भी जान है इनमें भी, लोग खरीद लेते हैं पालना आता नहीं उनको। ये वीडियोस का मकसद ही ये है कि लोग इस वीडियोस को देखें और सीखें। ये देखिए जी माशाल्लाह, देखिए बर्ड्स को दुआओं में याद रखिए जनाब, किसी किस्म की किसी को हेल्प चाहिए हो ठीक है। और हमारे रेट भाई बड़े कंट्रोल रेट होते हैं, मार्केट में बड़े पैसे मांगते हैं बर्ड्स के, लेकिन ये है कि उन्होंने किराए देने होते हैं यार, हम लोगों ने अपने शौक के लिए बनाते हैं और बाद में सेल आउट कर देते हैं। जो बड़े पीसीज होते हैं वो बाद में उनकी प्राइसेज और हो जाती है, सेल्फ टेन में आ जाते हैं पीसीज, प्राइस और होती है। आजकल बर्ड्स की प्राइस का आपको पता ही है, हर एक की अपनी अपनी प्राइस है भाई, अलग अलग प्राइस है। लव बर्ड थोड़ा डाउन हुआ है कह रहे हैं, हमने भी परचेजिंग की है लेकिन इतना डाउन का तो नहीं है, धोखे ही बड़े होते हैं भाई जान, कहते कुछ है देते कुछ है, ये जीतता फ़र्क ये वो, लेकिन इन बच्चों में ये चीज़ नहीं होती है। साल के बर्ड में कहें तो फिर फ़र्क हो जाता है, लेकिन छोटे बच्चे की उम्र जो है ना सबको नज़र आ रही होती है कि ये बच्चे यकम मार्च को 15, 13, 12 इस तरह की है इनकी दिनों में, और आज देख ले आप देख सकते हैं माशाल्लाह कि उनकी क्या हालत है, क्या कंडीशन है। सबसे छोटा बच्चा भी जो है वो कवर हो चुका है। और जनाब माजरत अगर कोई हमारी बात बुरी लगी हो आपको, हमें एडिटिंग वगैरह करनी नहीं आती ठीक है, सिंपल सिंपल बनाते हैं और सिंपल सिंपल वीडियो पोस्ट कर देते हैं, तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि जनाब अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें, हौसला अफजाई किया करें हमारी, हम लोग इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपके लिए बनाते रहेंगे अच्छी अच्छी इंशाल्लाह। जो कनोर्स रख रहे हैं वो अपने फार्म बना रहे हैं हम लोग ने छोटा सा अपना, तो उधर आप लोग उनकी ब्रीडिंग हर चीज़ दिखाएँगे, और ये जो लव बर्ड है इनके लिए भी हमने स्पेशल ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस बनवाए हैं ठीक है, वो भी लगेंगे उसके अंदर भी आपको एग से एग हैचिंग चिक का पलना मदर पे मदर फीड के ज़रिए वो दिखाएंगे सारा कुछ आपको। तो उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आएगा हमारा। ओके फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।